लो मत, बड़ा नेट ले लो ना। सो अभी तक मैंने जिंदगी की सबसे महंगी फिश ली है अभी, मतलब एक्चुअली इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिशेस, और दे आर आल्सो हैविंग अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन ऑफ द स्नेल्स। वेरी ब्यूटीफुल यार, आपके स्नेल तो बहुत अच्छे हैं यार। यार मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिला दो मेरे को प्लीज, मेरे को डिस्काउंट दिला दो मैं प्लीज, मैं सारे ले लूंगा। अरे वाह, इट्स अ there's a beautiful flower horn also, भाई कितनी सुंदर है यार, नाइस। But I don't really like keeping them. And I love these people. Hi. I love them, man. These are what? Bison. These are leopard bison, no? This is Dalhousie. This is Dalhousie. This is leopard and ये कितने क्यूट लग रहे हैं इनके ऊपर घूमते हुए। तो आई शो यू मैंने क्या लिया है। ये है वुल्फ सिकलेट्स। ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं यार, मतलब दे ग्रो रियली ह्यूज। यहाँ पर यू कैन सी प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए, एक्वेरियम के लिए, और आई एम गोना बाय प्लांट्स ऑल्सो बहुत सारे। आज मैं बहुत सारा खर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, बहुत ही सारा। एंड वी हैव फायर माउथ सिकलेट्स ओवर हियर, ये दे गुड मैन। दिस आई लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड पंचाक्स, दे आर लाइव बैरर्स, ये बच्चे देते हैं। और ये वट दे डू इज, इनकी शक्ल ऐसी होती है इसलिए क्योंकि ये सरफेस पे जाते हैं एंड दे वहाँ पे ना ऐसे पिचकारी मारते हैं पानी की, और उससे किसी भी कीड़े को गिरा के फिर वो पानी में घिर जाता है और उसे उठा लेते हैं। दे आर ब्यूटिफुल कलर्स। अभी शीको अंकल इज हेल्पिंग मी आउट विद द एक्वेरियम। शीखो अंकल एक्सपर्ट हैं अब मरीन एक्वेरियम। अरे दिस इज आकाश, आई हैव गॉट सम कोली लोचेस। कोली यार ऐसे तो ये सारी भाग रही है ना, डाल दो, यही डाल दो अभी के लिए, डाल दो ले लो। आप मुझे इनके भी प्राइस बताओ। हाँ यार ऐसे मत करो, देखो ये तो इनका तो मेन खाना ही शेल्स होते हैं। अरे कूली लोच तो ये खाएगी ना। अरे लोच सिर्फ और सिर्फ इनको खाती है इसलिए तो वो ऐसी होती है। We can't take any of the snails. एक और छोटू टैंक बना लेंगे। अरे नहीं, वी कांट बाय स्नेल्स अब सारा। अबे वो खा जाएंगी भाई। कूली लोच फिर वापस रख दो। कूली लोच वापस रख दो, स्नेल्स ले रहे हैं। ठीक है भाई, स्नेल तो कूली लोच को वापस रखो और स्नेल दे दो भैया। कूली लोच छोड़ दो, स्नेल दे दो यार। मेरे को कूली लोच, यार मैं क्लाउन लोच भी नहीं रख पाऊंगा। तो वो सो एवरीबॉडी, दिस इज एल क्लास प्लेको। मेरा जिंदगी में मेरा सपना था इसको लेना और आई हैव फाइनली गॉट वन। This is butterfly fish. This. और ये लोग यहाँ पे खड़े होके मेरी बुराई कर रहे हैं। सही में आकाश का तरीका गलत है। क्या? नहीं आकाश का कुछ नहीं। अरे चलो चुप रहो। अंकल ये मैंने देखी है इतनी बड़ी।
Chinese hyphen loaches. और ये हैं, दीज आर एलिफेंट लो, एलिफेंट नोज. सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट फिश होती है ये. इट्स गुड. यस, आकाश इज हैंडलिंग द कैमरा टुडे. देयर इज नॉट रियली अ कैमरा, हमें कैमरा लेने भी जाना है, पर मुझे लगता है मैं कैमरा के सारे पैसे यहीं पर उठाने वाला हूँ. नाम पढ़ के आया हूँ वहाँ पे, राम लिखा है तो हम राम रखते हैं. इनके बच्चे हो जाएंगे डिस्कस करने तक आती है ना किसी बच्चे. क्या बात कर रहे हो? अरे यार थोड़ा सा तो लगाओ यार, वो वाले भी 200 ही है. अच्छा हाँ, जावा फोन है यार, तो बहुत महंगा दे रहे हो यार. सारी सब कुछ ही 200 डिस्काउंट दे रहे हैं यार. ऐसे करते हो यार, करते नहीं है मतलब. आप ऐसे कर रहे हैं, 3,500 रुपए की पहली मछली की है मैंने घुसते ही. देखो इतनी सी सकर कैट है वो. सकर कैट का प्राइस होता है तो यहाँ पर ना एक ना क्रुएल्टी होती है. I'll show you. मछलियों के साथ ना बुरा करते हैं यहाँ के लोग. ये सब फेक कलर है, ये सबसे ज्यादा बिकती हैं. दैट्स व्हाट ही सेड. ये नॉर्मल विडो टेट्राज होती है और उनमें ये कलर कर देते हैं बहुत सारे. दे आर इंजेक्टेड और फिर कुछ टाइम बाद ये मर जाती हैं बेचारी. आई डोंट नो मैन. अच्छा इनके साथ भी वो ये इनके साथ भी करने लगे हैं. प्लीज डोंट बाय देम, प्लीज नेवर बाय देम, प्लीज इनको मत खरीदना कभी भी. इनको खरीदो, सुंदर सुंदर मछली है, वेरी क्यूट. ये बना सूखा है. लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? क्रिप्टोकरेंसी. हां अच्छा हाँ, छोटू से. अच्छा पतली सी पत्ती है ना इसको, थोड़ा सा बड़ा दे दो यार. आप ना ये पीछे एक तो एक्वारो ले लो. हाँ ये दे दो, ये दे दो. ये जिंदा है पता नहीं, ये स्नेल निकालना. नहीं मरा हुआ है, निकाल तो दो ही. कोई नहीं, जिंदा है. क्या है? व्हाट इज दिस स्नेल? व्हाट इज दिस स्नेल? आई नो व्हाट एवर इट इज, वी टेकिंग इट. आई एम कंफ्यूज्ड मैन, आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड. अरे यार कंफ्यूज मत हो. ये भी स्नेल चाहिए, ये भी स्नेल चाहिए. थोड़ा सा
पता है मैं कितने टाइम बाद रख रहा हूँ दोबारा? अरे यार तो खराब रखा है, चढ़ा हुआ है, उसे वापस ही रखना। उसका बस ऊपर का एक वो खिला हुआ है जिसकी वजह से मैंने उसे डाल दिया। दिस इज रोटाला इंडिका रेड, क्योंकि इसमें ना रेड वो आता है पर इसमें काई सी जमी है, थोड़े क्लियर पत्ते वाला रहता है। ये क्या है, ये क्या है? अंकल जी रैम और कूली लोच नहीं, लूच तो ले नहीं रहे। नहीं, कैन वी गेट दीस वंस? यू वांट वाइसेस? आई लव देम। नहीं सो दीज आर टेट्राज एवरीबॉडी। ओए छोटू सा, दिस इज गोस्ट श्रिंप। कैन वी गेट दैट? Loaches and Ramirezi are gonna eat them. Golden. मैं इसको ले लेता अगर मेरे पास बड़ा टैंक होता, फिर फालतू बड़ा हुआ होता। आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा टैंक। इट्स गुड, इट्स गुड। तक गुस्से में यार, वेरी नाइस। Have some discuss also. They are scared. They are very good. Very good discuss. And we have scat. Kissing your armies. Oksana. Male female. This one. This one is very good. Dekh, ek male female. Ye sare males hain. Sare males hain. Kya ye? गर्मी लग रही है ना मेरे को यार, कुछ भी नहीं ले सकते हम तो। एंजल फिश को फंगस है, और जितने भी रामिरोजी हैं उनको वो सारे लौंडे हैं, मतलब एज इन दे आर मेल्स। ठीक है ठीक है। भैया इनमें से कौन सी लेनी थी? छोटी छोटी सी घूम रही है, एक तो ये बैठी हुई है तब से, एक उधर थी, एक नन्ही सी उधर थी। पांडा एक और ले लेते हैं हम। आई एम नॉट श्योर अगर ये सही है बेचारी। चलो सही है, सही है। सो एवरीबॉडी, आई हैव जावा फंड यहाँ पर। सो आई गॉट अ लिटिल ओवर प्राइज्ड प्लान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर आज मैं ऐसे शॉपिंग करना चाहता था जैसे यू नो, आई जस्ट डिडंट वांट टू थिंक अबाउट मनी, आई जस्ट वांटेड टू बाय व्हाटएवर आई कुड, जो मुझे खरीदना था, क्योंकि बचपन में ना एक वो था ना, थोड़े सपने से थे। आई शो यू द फिश, जो प्लेको आज मैं लेकर आया हूँ ना, वो मेरा ना बचपन का एक टाइम पे सपना था। आई एम नॉट गेटिंग, मेरे सपने थोड़े वियर्ड होते थे। एंड आई हैव जावा फंड विद मी, एंड इट्स अ गुड साइज, just like the money which I paid for it, which was also good. और यहाँ पे थोड़ा सा
प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ड्रॉपिंग प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरा रखा हुआ है। मैंने इसमें ऑलरेडी सबस्ट्रेट सारा डाल दिया है, एज यू कैन सी। ओके, तो एज यू कैन सी मैंने सबस्ट्रेट इसमें डाल दिया है पूरा सारा। इट इज सम ब्राउन सैंडस्टोन टाइप सब कुछ मिक्सा है, लुक्ड गुड। जो मैं अपना देसी वाला यूज करता हूँ वो तो नहीं किया, मैंने सोचा कि थोड़ा शो एक्वेरियम बनाते हैं। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस। मेरे पास कुछ था नहीं इस पे ना वेट रखने के लिए वुड पे, तो अभी थोड़े टाइम के लिए सब करके रखना पड़ेगा इसको, फॉर लाइक फॉर 10 डेज और सो। 10 दिन तक ऐसे ही रखूंगा मैं, फिर हाथी को हम सीधा करके रख देंगे। मतलब ये दिस इज अ एलिफेंट स्टैचू, पर ये एक्वेरियम अच्छा दिखने वाला है बहुत। इसके लाइट्स भी कल आने वाले हैं मेरे पास, तो आज हम सिर्फ एक्वेरियम रखेंगे। और जो मेरी फेवरेट तो क्या ही, मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव वंस, वो वाली फिश को इसमें डालेंगे। और आज बहुत, मतलब पहली बार मैंने किसी ना डेली स्टोर में स्नेल्स का कलेक्शन देखा है। मतलब आई कुडंट बिलीव स्नेल्स वहां पर थे। ओवर प्राइज अगेन, पर दे वर वेरी गुड। एंड आई गॉट देम ऑल्सो, I got rabbit snails. Because I told you to get them. हाँ, Oksana was keen on getting the snails क्योंकि मैं confused था loaches और snails में, क्योंकि loaches one of my most favorite, अगर आप में से कोई शायद से है जो कि जब मेरे 50,000 subscribers हुआ करते थे जब इस channel पे, तब के time पे मैं बहुत aquarium hobby में बहुत ज़्यादा था, तो उस time पे ना मैं बहुत ज़्यादा ये loaches और इन सब की बातें करता था, तो लोगों को शायद से पता होगा। I used to love loaches. तो जो लोग मुझे पहली बार एक्वेरियम हॉबी में देख रहे हैं, प्लीज कंसिडर I have done this for years. I used to have a little tiny business of aquascaping also, जब किसी को पता नहीं था aquascaping क्या होती है। I have bred many cichlids, including cichlids also, as in I mean discus fish also. Discus fish, one of my most favorite fishes. इसमें वही रखने का प्लान है प्लेको के साथ, पर वो हम बाद में जाएंगे। और अगेन हम वो पालेंगे, हम कहाँ से लेंगे वो, हम ओवर प्राइज लेंगे वो। थाईलैंड इम्पोर्टेड मेरा ना पालने का प्लान है। चलो पहले ये तैयार करते हैं, बहुत सारी बकचोदी हो गई। फक डूड दिस इज गुड। तो अभी इसमें मैंने आधा ही पानी भरा हुआ है आज के दिन, जैसे मैंने बताया था। तो ये है जावा फर्न, इसको मेरा भी प्लान है कि जब ये पूरा अच्छे से साइकिल हो जाएगा पानी इसमें, तो इसको निकाल के वुड पे लगा दूंगा मैं, एंड इट्स गोना ग्रो ऑन द वुड और बहुत सुंदर लगेगा। और अभी इसमें और एड ऑन्स करूंगा वुड्स। तो अभी हमारे पास जो प्लांट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। आई फील ग्रेट टू बी बैक इन दिस हॉबी। वी हैव आई ब्रॉट लॉट ऑफ प्लांट्स, तो मतलब नॉट अ लॉट, पर हाँ इनको हम ग्रो करेंगे तो ये काफी अच्छे से हो जाएंगे। अभी अच्छे से दिखेंगे नहीं, अभी तो ऐसे ही दिख रहे हैं। आई पेड अ गुड प्राइस फॉर देम एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल। ये वाले देखो यार, अभी डोंट वरी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इसमें तो मैं फॉर दोज पीपल, उनके लिए ना मैं सबकी ऐसे वीडियोस प्रॉपरली बना के आई विल राइट द नेम्स ऑफ द स्नेल्स आल्सो, क्योंकि आई नो मेरी तरह ही होंगे इंडिया में आधे से ज्यादा लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं होगा कौन सा स्नेल। हमें बस एक स्नेल पता है, एप्पल स्नेल, जो कि जिसको डाल दो बच्चे दे देता है 1,000 और पानी इतना गंदा करता है वो, जिसको लोग ना पेंट करके बेचते हैं। एक बार मेरे को पिंक कलर का पेंट करके ना स्नेल एक एक्वेरियम वाला बंदा बेच रहा था, उसने मुझे बोला स्ट्रॉबेरी स्नेल है हमारे पास। मैं बोला वो दिखा, तो उसने दिखाया पिंक कलर का, एप्पल स्नेल पे नेल पॉलिश लगा के बेच रहे हैं साले, बेवकूफ बनाते। सो एनीवेज, दिस इज रोटाला इंडिका। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है ये प्लांट, और इट्स इन अ दिस थिंग कटोरी, मतलब मैं आई एम नॉट गोना। लोग क्या करते हैं काफी सारे ना, उनको लगता है कि ये गमले जैसे उठा के ले आओ और यही रख देते हैं कोरे में, देन दे एक्सपेक्ट कि ये ऐसे जंगल हो जाएगा, बट दैट कांट हैपन। और इनकी रूट्स आई थी एंड विच इज वेरी गुड, पर हमें लगाने से पहले हमेशा इसको पूरा रूट्स वगैरह और ये सब काटना होता है,
तो इसलिए वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सीजर ऑल्सो यहाँ पे. तो हम डालेंगे पहले इसको, अभी गीला कर देते हैं. एंड आई हैव एक्वा रोज. इफ यू गाइज वॉन्ट तो मैं एक ना सेपरेट वीडियो बना दूंगा सिर्फ उनके लिए जो कि बहुत ज्यादा एक्वेरियम प्लांट्स में हुआ इंटरेस्टेड. मतलब यार ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम से था, रूट्स भी बाहर आ गई हैं. तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आई हैव क्रिप्टोकोरियन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लांट्स. वेलस्नेरिया भी है मेरा दूसरा फेवरेट प्लांट, मतलब वो पहला, ये दूसरा है. वो मिला नहीं आज वहाँ पे. तो ये है छोटे पत्तों वाला अमेजोन. इसको नाली में भी फेंक दो तो ये तब भी उगने लगता है. लुक्स ब्यूटिफुल. मैं इनको लगाता हूँ और इनको लगाते हैं, लेट्स सी. अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, मतलब आई वोंट बोर यू गाइज. हम हमेशा जैसे भी प्लांट्स को लगाते हैं, आई शो यू. जैसे ये रूट्स निकले हुए हैं और अगर ब्राउन हुए वो होते हैं तो हमें काट के लगाने होते हैं. और जैसे हमें ये प्लांट लगाना है तो इसका हमें ये वाला पोर्शन काटना होगा यहाँ से ऐसे, और उसके बाद ये हमें अंदर लगाना होगा. एंड इट्स गोना ग्रो बहुत अच्छे से. इसको अभी जज मत करो, इट लुक्स अ लिटिल स्मॉल बट इट्स गोना ग्रो एंड लुक ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर. अगर आप लोगों को देखना है तो पहले मेरे पास डिस्कस जब थी बहुत पहले, तो द वीडियोज आर स्टिल देयर, यू कैन जस्ट सी देम. तब मेरा एक्वेरियम भी बहुत सुंदर था और उस एक्वेरियम में डिस्कस ने 6 या 7 बार ना वो बैचेस मैंने रेज किए. तो लौटते हैं इस पे, उसी लकड़ी पे. हाँ, इसी लकड़ी पे डिस्कस ने अंडे दिए थे. अचानक याद है, इसी लकड़ी पे डिस्कस ने अंडे दिए थे सारे. आई नो द स्पॉट्स ऑल्सो. एक था उनका और मतलब 2-3 उन्होंने मुश्किल से स्पॉट चेंज किए, पर एक स्पॉट था जिसपे उन्होंने 4-5 बार अंडे दिए थे. इट वॉज ब्यूटिफुल. सो आई एम गेटिंग बैक इन टू दिस. आई स्टिल होप टू ब्रीड डिस्कस अगेन. सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस. And now I have my snails with me. ये सारे snails हैं, मैं आपको ना निकाल कर दिखाता हूँ इसमें से कौन से क्या हैं. I'll just show you. So मैं इनको ज़्यादा दुख नहीं देना चाहता. तो as you can see यहाँ पर 2 मेरे पास snails हैं. One is very beautiful looking. पता नहीं कौन सा, I don't remember the name. पर हाँ, मैं इनके बारे में पक्का से वीडियो बनाऊंगा. अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो. ये 2 स्नेल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है. दैट वन इज हॉर्न स्नेल और ये दूसरा तो नॉर्मल जो ज़ीब्रा बोल रहे थे वो स्नेल नहीं है, ये उससे थोड़ा सा अलग था. आइडेंटिफाई करके आई विल राइट द स्पीसीज ऑन द स्क्रीन. ओके, देयर ही गोज, मतलब दे गोज एक्चुअली. मैं ये 2 हैं. I'll show you जो बैटमैन और वो वाले स्नेल्स वो बोल रहे थे. सो ये बैटमैन स्नेल या फिर रैबिट स्नेल्स भी शायद इनको बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर से जो जो एनिमल होता है, जो स्लग होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर का होता है. दे आर दे वर द मोस्ट एक्सपेंसिव. ये सबसे महंगे थे इनमें से. तो आई गॉट दीज 600 रुपये के, अदर दैन 600-600 rupees. सो देयर दे गोज. आई विल शो यू द अदर वंस. सो ये है ज़ीब्रा स्नेल और वो है हॉर्न स्नेल. मतलब ये है हॉर्न स्नेल और ये है ज़ीब्रा स्नेल. पता नहीं ज़ीब्रा स्नेल क्यों बोलते हैं इनको. आई डोंट नो, द गाय टोल्ड मी. वो गलत भी हो सकता है. तो ये हॉर्न स्नेल आर क्वाइट गुड. इनको देखते हैं ये कैसे जाते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, अरे वो मेरे हाथ पे चिपक गया था. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ देम ग्रोइंग एंड ऑल. ही इज स्टिल शूटिंग. इतनी पॉटी करेगा पता नहीं. अब ये एक्वेरियम में जाके पॉटी करेगा. अगर आपका अच्छा फिल्टर नहीं है तो स्नेल्स काफ़ी ज़्यादा गंद फैला सकते हैं. अरे वन लेफ्ट. ओ एवरीबॉडी left and one is still there. वो भी आराम से चला है. सो अभी इस एक्वेरियम की लास्ट फिश बची है. मैं इसको खोलता हूँ एंड आई विल
लेट यू गाइस सी माय फेवरेट माय ड्रीमी फिश इट वाज. मुझे पता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे पर देखो ऐसा ही है जैसा भी है. सो एवरीबडी हियर इज दैट L16 L85 एल सीरीज प्लेको L85 इट इज कॉल्ड. मैं इसको निकालता हूँ तब से तब आप शायद से इसको अच्छे से देख पाओगे. लेट मी जस्ट गेट हिम आउट. सो एवरीबडी यू कैन सी दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल प्लेको. दिस इज एल सीरीज L85 बोलते हैं इसको. और सकर कैट सकर माउथ कैटफिश की प्रजाति की होती है ये. और ये बहुत महंगी आती हैं बिलीव मी. ये मेरे को मिली है 3,500 रुपये की आफ्टर द डिस्काउंट. मेरा मजाक उड़ा सकते हो आप लोग जितना आपको उड़ाना है बट आई जस्ट लव दिस. मैं लिटरली इसको पालना चाहता था और वो चली गई. दैट्स हाउ रिलीज दैट. कल अभी हम इस एक्वेरियम को दोबारा देखेंगे और मैं अभी फुटेज डालूंगा. सो नेक्स्ट वीडियो एज ए नेक्स्ट फुटेज विल इज गोना बी दिस. तो अभी ये ऐसा दिख रहा है. लेट्स सी ये कल कैसा दिखता है लाइट लगाने के बाद.